नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेरेंटिंग इंडिया में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए जो भी प्रेग्नेंट हैं वो लेडीज़ या जिनके घर में कोई भी प्रेग्नेंट है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, या जो भी आपके यहाँ प्रेग्नेंट है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप हमारी पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्या पांच काम प्रेग्नेंट लेडी को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला काम है, प्रेगनेंसी में होने वाली माँ को कभी भी रोना नहीं चाहिए। अगर माँ रोती है या बहुत दुखी होती है तो उसका सीधा असर बच्चे पर होता है। एक सर्वे में पाया गया है कि जो माँ प्रेगनेंसी में ज़्यादा दुखी और परेशान रहती है, उस बच्चे का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है और वह बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा दुखी परेशान ना हो। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट है तो अपने आप को बिज़ी रखे, कंस्ट्रक्टिवली बिज़ी रखे और अपने आप को खुश रखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपकी इस समय प्रायोरिटी सिर्फ आपका बच्चा है। इसलिए अपने आप को खुश रखिए ताकि आपका बच्चा भी खुश रहे। सेकंड पॉइंट है, प्रेगनेंसी में कभी भी अल्कोहल का सेवन या स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। पैसिव स्मोकिंग मतलब कोई स्मोक कर रहा है तो उसके पास भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो धुआँ आप अपने अंदर लेती हैं जो बच्चे पर बहुत ही नेगेटिव असर डालता है। थर्ड पॉइंट है, प्रेगनेंसी में चटपटा, स्पाइसी, ज़्यादा तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए। ये बच्चे की के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और बच्चे के साथ साथ ये आपके शरीर में भी जलन, अपच पैदा करता है। इसलिए खाना ऐसा हो जो आराम से पच सके। फोर्थ पॉइंट आता है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा लाउड म्यूज़िक या नेगेटिव और हॉरर मूवीज़ या हिंसात्मक मूवी नहीं देखनी चाहिए। इस तरह की वीडियो जो आप देखते हैं तो बच्चे की मानसिक स्तर पर इसका बहुत असर पड़ता है और वह बहुत बेचैनी फील करता है और उसका मानसिक स्तर भी वैसा होने लगता है। इसलिए कोशिश करके इस तरह की कोई भी मूवी या वीडियो ना देखें। फिफ्थ पॉइंट आता है कि कोई भी नेगेटिव थॉट आप ना सोचें या नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहने से अपने आप को बचाएँ। अगर ऐसा माहौल बनता है तो अपने आप को बिज़ी रखें, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप जितना अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली बिज़ी रखेंगी, आपकी थिंकिंग उतनी ही अच्छी होगी। अगर नेगेटिव थॉट आता है तो आप कोई पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं। इसीलिए पहले ज़माने में कहा जाता था, रामायण, भगवद गीता, ये सब पढ़ने के लिए कहा जाता था प्रेग्नेंट लेडी को, कुरान पढ़ने के लिए कहा जाता था। ये इसीलिए कहा जाता था, इससे आपका मानसिक स्तर एक अच्छा रहेगा। इसलिए आप कोई पॉजिटिव थिंकिंग की बुक भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि इस समय आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आपका बच्चा है। इसलिए हर तरह से कोशिश करके अपने आप को खुश रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, ताकि होने वाला बच्चा एक अच्छा बच्चा बन सके। थैंक यू दोस्तों। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। थैंक यू।